हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निहार का। सो आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं आपके साथ कुछ न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स यानी न्यू लॉन्चेस, और ये सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। मतलब मुझे खुद लग रहा है ये हॉल कमाल का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ये मार्स का काजल। मार्स ने ये जो काजल है बहुत पहले निकाला है, लेकिन रिसेंटली काफ़ी न्यू शेड्स निकाले हैं, और उनमें से जो एक नया शेड है वो है ये फॉरेस्ट चेज, जो कि ग्रीनिश टाइप का शेड है। मैंने वेयर भी किया है, मे बी नहीं दिख रहा हो, ब्लैक लग रहा हो, पर बहुत ही खूबसूरत शेड है। एंड द बेस्ट चीज़ कि इस बार आपको यू नो शार्पनर भी मिला है। आई थिंक पहले शार्पनर नहीं मिलता था। तो ये शेड है, जैसा कि आप जानते हैं, ये स्मच प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ काजल है। बहुत ही क्रीमी है, इजिली अप्लाई होता है, बिल्कुल भी यू नो टग एंड पुल नहीं करना पड़ता, इरिटेशन नहीं होती। एंड दिस शेड इज सो प्रिटी, आप देख सकते हैं, वाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत शेड है। टील और ग्रीन के बीच का है, मतलब प्रॉपर टील शेड भी नहीं है, प्रॉपर ग्रीन भी नहीं है, कुछ बीच का है। और मुझे ये शेड बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरे पास ऐसा शेड नहीं था। जो सुस ब्यूटी में भी आता है उसमें भी आई थिंक इस टाइप का शेड नहीं है। ये बहुत ही डिफरेंट कलर है ऑफ ग्रीन, एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ही क्यूट है। ये है गश ब्यूटी का ब्लश, ये है इसका स्क्वीशी ब्लश। और आप देख सकते हैं कितनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग है, मतलब इसकी पैकेजिंग देख के ही मन कर जाता है कि इसको बाय करें। मैंने यहाँ जो शेड लिया है वो है लेवेंडर हेस। इसमें तीन शेड आते हैं। ये जो शेड है एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूनिक है, मेरे पास ऐसा कोई शेड नहीं है। ये समवॉट पर्पल एंड पिंक का मिक्स है, थोड़ा बेरी टोन में है, जो कि एक्चुअली इंडियन स्किन टोन पे काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने इसी को अप्लाई किया था आज, लेकिन उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट ब्लश भी अप्लाई कर लिए, तो अब दिखेगा नहीं। ये सुपर लाइट वेट एंड सुपर ब्लेंडेबल है, मतलब इसको ब्लेंड करने में लाइक सेकेंड्स लगे होंगे, इतनी जल्दी ये ब्लेंड हो गया। आप फिंगर की हेल्प से आराम से ब्लेंड कर सकते हैं। ये अगर मैं आपको शेड बताऊँ, बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ क्योंकि क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आपको कम ही क्वांटिटी यूज़ होगी। लाइक एक पंप में आपका फेस हो जाएगा, आपको ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यू नो पर्पल बेरी टोन वाला शेड है, तो बहुत ही क्यूट सा है, हल्का सा इसमें पिंक टोन भी है, प्रॉपर पर्पल भी नहीं कहूँगी। तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये ऐसा शेड है जो आई थिंक फेयर टू मीडियम स्किन टोन आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये स्टिल सटल लगता है पर बहुत प्रिटी लगता है, प्रॉपर पिंक पिंक नहीं लगेगा, एक नेचुरल कलर जैसा फील देगा, नेचुरल ब्लश जैसा फील देगा। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो सीरियसली माइंड ब्लोइंग है, और मैं कहूँगी इस हॉल का बेस्ट प्रोडक्ट है। ये है स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। तो यहाँ पे आपको चार शेड मिलेंगे शिमर एंड मैट्स के मिक्स, और एक्चुअली दीज आर सो मच पिगमेंटेड, आप देख सकते हो सो मच पिगमेंटेड। ये वाला जो खासकर वर्जन है इसमें सारे शिमर और आपके फॉयल हैं एंड शिमर शेड है, ठीक है, वरना नॉर्मली आपको मैट एंड शिमर मिक्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं इनका फॉर्मूला एकदम मक्खन की तरह है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, टच करो तो ऐसा लग रहा है मैं बटर को टच कर रही हूँ, इतना ज़्यादा क्रीमी है। एंड लुक एट द पिगमेंटेशन, सो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इनका पिगमेंटेशन है। यहाँ पे ये दो शेड हैं, ये सुपर शिमर वाले हैं और बहुत ज़्यादा बटरी है, खासकर ये वाला इतना बटरी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब आप दबा सकते हो उसको पूरा, ये स्क्विश हो रहा है, इतना ज़्यादा क्रीमी है ये। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसकी चाहे फिनिश हो, पिगमेंटेशन हो, 10/10, मतलब लग ही नहीं रहा कि मैंने सुस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लिया है। और खासकर ये जो ग्रीन वाला शेड है, दिस इज सो मच पिगमेंटेड, एकदम मैच कर रहा है मार्स के हाईलाइनर के साथ, आप देख सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, ये वाला जो शेड जो कि सुपर क्रीमी एंड बटरी है, इसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगता है कि ये आइस पे आसानी से नहीं टिकेगा, ईजिली स्मच हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बटरी है, और ख़ासकर अगर आपकी ऑयली लिप्स है तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। अदर देन दैट बाकी काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़े और वर्जन भी ट्राई करूँ देखने के लिए कि फॉर्मूला बाकी में कैसा है। पर हाँ, एटलीस्ट आपको एक बार ज़रूर बाय करना चाहिए, दिस इज़ सो गुड। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम फेस के पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट के लिए तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई ना कोई स्किन केयर यूज़ करते हैं, लेकिन बॉडी के पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट को इग्नोर कर देते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या यूज़ करें। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करेगा।
मेरे पास है द डमाको का 1% कोजिक एसिड डेली ब्राइटनिंग बॉडी वॉश। ये बॉडी वॉश हेल्प करेगा आपके डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में, जो कि आपकी बॉडी पे होती है। इस बॉडी वॉश में आपको मिलती है पावर ऑफ टू एक्टिव, दैट इज कोजिक एसिड एंड अल्फा आर्बुटिन। ये ट्रीट करता है आपके पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट को, ब्लेमिशेस को कम करता है एंड आपको देता है एक इवन स्किन टोन। ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है और उससे ब्राइटन अप बनाता है। ये सल्फेट फ्री फॉर्मूला है जिसमें है पेंटावेटिन। ये एक हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन का मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है और आपको देता है 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन। ऑल्सो डमाको में आते हैं 3 मोर वेरियंट जो आपके डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो मेरे हिसाब से आपको इसे जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आप डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन और एक्ने मार्क्स को हटाना चाहते हैं। ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इस कूपन कोड को यूज कर सकते हैं टू गेट 20% ऑफ। ऑल्सो जब भी आप परचेज करेंगे आपके ऑर्डर को लिंक कर दिया जाएगा टू अ चाइल्ड, जिसे एडुकेट करने में हेल्प करता है डमाको अलॉन्ग विद भूमि। जो नेक्स्ट है मेरे पास वो है ये लैक्मे एब्सोल्यूट की लिप मूस लिपस्टिक। ये न्यू लॉन्च है और वैसे तो लैक्मे में काफ़ी सारे लॉन्च हुए हैं और प्राइजेस वैसे ही हैं, थोड़े से अफोर्डेबल के बाहर, पर मैंने ये लिपस्टिक कई लोगों को ट्राई करते हुए देखा है, मतलब बाकी मेकअप इन्फ्लुएंसर को भी पर्सनली यूज़ करते हुए देखा। नहीं तो प्रमोट तो हर कोई करता है, पर्सनली यूज़ को जल्दी कोई नहीं करता। तो मैंने भी इसे बाय किया और मैंने एक्चुअली 2 शेड लिए हैं जो कि मैं यहाँ आपको दिखा दूंगी। इसका जो फॉर्मूला है वो लैक्मे की लिप एंड चीक मूस लिप क्रीम जो आती थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो लिप एंड चीक वाला होता था वो आपका थोड़ा ज़्यादा क्रीमी होता था, इजी ब्लेंडेबल होता था, बहुत मतलब आप क्रीमी कह सकते हैं ज़्यादा होता था। ये मूजी ज़्यादा है, जैसे ड्राई मूस होता है ना, जिस टाइप की पैक की लिप क्रीम आती है उस स्टाइल में ये है। और वो जो था वो आपका थोड़ा सा मूस था लेकिन थोड़ा और ब्लेंडेबिलिटी थी, मतलब ईजली यू नो सॉफ्ट टेक्स्चर ज़्यादा था, सॉफ्ट एंड क्रीमी। ये मूजी टेक्सचर है पर हाँ ओवरली ड्राई मैं इसे नहीं कहूँगी। मैंने यहाँ जो शेड लिया ये है स्कारलेट सायरन एंड दिस इज गॉर्जियस शेड, लाइक ब्यूटिफुल। इसको यूज़ करते मुझे याद आ गया कि सच्ची बताऊँ तो लैक्मे हमेशा बेस्ट रेड बनाता है, मतलब अगर आपको रेड शेड ढूंढना है तो आप लैक्मे में जा सकते हैं, उनके पास इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेड शेड्स होते हैं जो कि हर इंडियन स्किन टोन को सूट करता है। दिस शेड इज माइंड ब्लोइंग, मतलब इसको लगाते ही मैं भूल गई कि ये लैक्मे है, ये इतने रुपए का है, ये ऐसा है, इससे बेटर भी शायद मिल जाए। दिस इज सो गॉर्जियस। इस लिप मूस को अप्लाई करने से पहले आप अपने लिप्स को जरूर टैप अप कर लीजिए, क्योंकि वैसा ओवरली ड्राइंग नहीं है कि आपके लिप्स को एकदम क्रैक अप कर दे, लेकिन स्टिल जो मूस होते हैं थोड़े ड्राई टाइप के होते हैं, तो आप कोई भी लिप बाम अप्लाई करके उसे वाइप अप करके इसे अप्लाई करिए, तो आपके लिप्स हाइड्रेशन आपके लिप्स में मेंटेन रहेगा, या आपके लिप्स को ड्राई आउट नहीं करेगा। मतलब ये फॉर्मूला समझ लीजिए, ना ही आपको हाइड्रेट करता है ना ही आपको ड्राई करता है, तो आपको लिप्स का जो मॉइस्चर है खुद मेंटेन करना होगा। अगर आप थिन लेयर में अप्लाई करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसे टिश्यू से रिमूव कर देंगे तो आपका जो लिपस्टिक है वो आपके लिप्स पे रहता है, बहुत ही टाइनी बिट यू नो ट्रांसफ़र होता है पर लिप्स पे बना रहता है, ऐसा कोई लिप्स से हटती नहीं और बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होता है। क्योंकि ये मूस फॉर्मूला है तो ये ऑयल्स के साथ नहीं टिक पाएगा, मतलब आपने कुछ भी ऑयली खाया तो ये हट जाएगी, लेकिन हाँ आप आराम से पानी वानी पी सकते हैं। वाटर के साथ ये टिकी रहती है, मतलब मैंने अप्लाई करके नहा भी लिया तब भी ये लिपस्टिक मेरे लिप्स पे थी। तो यस ओवरऑल कहूँ तो हाँ एक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन स्टिल आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए क्योंकि फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक है और लैक्मे ने कभी ऐसा जल्दी फॉर्मूला नहीं बनाया है। मतलब ये लिप्स पे रहता है इजली, मतलब रिमूवेबल या ट्रांसफ़र वाला नहीं है कि हर बार ट्रांसफ़र हो, मतलब लॉन्ग लास्टिंग आप इसे कह सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये है स्विस ब्यूटी का मेकअप रिमूवर स्प्रे। ये रिसेंटली आया है, मैंने इसे तुरंत बाय किया, मतलब आपको बस स्प्रे करना है और ये आपका मेकअप रिमूव कर देगा। ये कहता है इसमें विटामिन ई एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है एंड ऑल्सो ये आपका वाटरप्रूफ मेकअप निकालता है। आप नॉर्मली भी फेस अपना क्लीन अप कर सकते हैं, अगर फेस पे डर्ट है आप स्प्रे करके कर लीजिए, नहीं तो मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का है आपका। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जो लोग पूछेंगे कि इसमें फ्रेग्रेंस आती है कि नहीं, हाँ आती है, थोड़ी स्ट्रांग है एक्चुअली, आप स्प्रे करोगे काफ़ी स्ट्रांग फ्रेग्रेंस इसमें से आती है, पर हाँ मैंने ट्राई किया और ये समवॉट आपका वाटरप्रूफ मेकअप निकालता है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है।
तो आप इसे चाहे तो सीधे फेस पे स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जो भी कॉटन पैड है या कुछ भी है जो आप यूज करते हो उस पे स्प्रे करके करिए, सीधे फेस पे मत करिए, आंख में जा सकता है। हाँ, काम आसान कर देता है, लाइक मैं अक्सर लिपस्टिक स्वॉच करती हूँ, ये करती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा लाइक रिमूव करना पड़ता है, इससे काफी ईजी हो जाता है कि मैंने स्प्रे किया और हट गया, तो वो चीज काफी सही है और मुझे काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगा। हाँ, फ्रेग्रेंस थोड़ी सी ज्यादा है जो कि इरिटेट कर सकती है, और मे भी देखना होगा कि स्किन पे कैसा, मतलब कोई इरिटेशन ना हो, क्योंकि सबका स्किन टाइप अलग है, हो सकता है आपको सूट करे ना करे, पर दिस इज वेरी यूनिक और बहुत कन्वीनियंट और इजी हो जाता है मेकअप रिमूव करना। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है ये एम कैफीन का ग्रीन टी हाइड्रोजेल अंडर आई पैचेस। ओके, आपने पिक्सी के तो देखे होंगे वो अंडर आई पैचेस जो होते हैं, तो उतना महंगा तो लेने का फायदा है नहीं। इसमें दो टाइप के वर्जन आते हैं, एक होता है डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने वाला और एक होता है हाइड्रेशन वाला, तो मैंने हाइड्रेशन वाला लिया है क्योंकि अक्सर बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील होने लगती है, आईज बहुत ज्यादा टायर्ड फील होने लगती है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हाइड्रेशन वाला कुछ चाहिए कि मैं रिलैक्स कर सकूँ, थोड़ा सा अंडर आई एरिया को थोड़ा सा मोर हाइड्रेशन मिले, और मेरे हिसाब से अगर आपको अच्छे से हाइड्रेशन मिल रहा है ना, डार्क सर्कल्स अपने आप कम हो जाते हैं। तो इसमें है कैफीन 1%, इसको जब ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे एक स्पैचुला दिया है जिसकी हेल्प से आप उठा सकते हैं, पर वो ज़्यादा मुश्किल है, और ये आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, और यस ये बॉक्स जैसे कि आपने देखा सीरम से भरा हुआ है, ठीक है। ऑनेस्टली बताओ तो मुझे ये पसंद भी आया नहीं भी आया, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी सही है, रिलैक्स करता है, अच्छा है, हाइड्रेशन देता है, पर अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा स्लिपरी है बिकॉज ऑफ सीरम, अप्लाई करो तो इधर से उधर मूव हो जाता है, स्लाइड हो जाता है, तो वो मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है, बट एक्चुअली अच्छा है। और मैं आपको कहूँगी अगर आपको ऐसी चीज़ चाहिए तो आप पिक्सी विक्सी का लेने के बजाय आप इसका लो, क्योंकि ऑलमोस्ट वही वर्क करता है, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा अलग सा इंग्रेडिएंट है, आपको एक दिन में फ़र्क पड़ेगा, इन चीज़ों का फ़र्क आपको एक दिन में नहीं पड़ेगा, आप रेगुलर यूज़ करोगे लाइक मंथली बेसिस पे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। सो मेरे हिसाब से ये काफ़ी सही है अंडर आई एरिया को हाइड्रेट करने के, रिलैक्स फील करने के लिए। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो सीरियसली माइंड ब्लोइंग है। एक्चुअली मैंने ये किसी और के वीडियो में देखा था, मैंने अरुणाक्षी के वीडियो में देखा था, आप जानते ही होंगे, मैंने कई बार अमेजोन पे देखा पर मुझे कभी नहीं लगा कि ये इतना अच्छा होगा जब तक कि मैंने वीडियो में नहीं देखा। मैं बात कर रही हूँ यूकानबे के कलाइडोस्कोप हाइलाइटर पैलेट की। ओके, ये आपने अक्सर देखा होगा अमेज़ॉन पे मिलता है, ऑब्वियसली ये अमेज़ॉन पे ही है, और ये इसमें आपको इतने सारे हाइलाइटर्स मिलते हैं, ये आपके हाइलाइटर्स हैं, ठीक है। तो मुझे कभी इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा क्योंकि मैं इतना हाइलाइटर यूज़ नहीं करती हूँ, बट फ्रॉम दैट वीडियो, क्योंकि वो अक्सर ये हाइलाइटर्स जो भी शेड्स हैं उसे आईज पे यूज़ करती हैं, एंड देखने के बाद मुझे फाइनली पता चला दिस इज़ सो गुड। मतलब नॉर्मली तो हाइलाइटर इतने शेयर होते हैं, आप आईज पे यूज करोगे तो हल्का हल्का ब्लिंगी लुक देगा, पर इनमें अच्छा खासा पिगमेंटेशन है, इतना कि आपके अच्छे खासे आई शेडो को ये टक्कर दे सकता है। और ऑल्सो ये जो आपके शेड है ड्यूओक्रोम टाइप के, इनमें एक से ज्यादा शीन है, वो रिफ्लेक्स हैं जब आप अप्लाई करते हो, और सच में बताऊँ दिस इज अ गुड परचेज, मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वरना अच्छे खासे आई शेडो भी आप हमेशा इसी टाइप के शेड के चक्कर में लेते हो और उनमें आपको उतना पिगमेंट नहीं मिलता। अगर मैं इसकी बात करूं, आप ये देख सकते हैं अमेजिंग पिगमेंटेशन है, सुपर ब्लिंगी है, ठीक है। इनमें जो शीन है वो कभी कभी डुओक्रोम है, मतलब आपको इससे ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी देता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली आप इन्हें हाइलाइटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, पर आईज पे भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मेकअप करना नहीं पसंद, और आजकल इसी टाइप का ही आई शेडो चल रहा है, आजकल यही ट्रेंड है, तो मुझे बहुत सही लगा। ऑल्सो मैंने आज इन्हीं को अपनी आईज पे अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं जो ये खूबसूरत सा फिनिश दे रहा है, ये यही शेड है, यही पिंक और ब्लू मैंने यूज किया है, बहुत इजी है। इनका पिगमेंटेशन इतना है कि किसी भी आई शेडो को ओवर कवर कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपने लगाया और दिखेगा ही नहीं इनका कलर, इनका कलर दिखता है, विच इज सो गुड, और आप डे वेयर नाइट टाइम कभी भी वेयर कर सकते हैं, तो मुझे ये काफी पसंद आया, बहुत ही डिफरेंट चीज है, मल्टीपल यूज कर सकते हैं इसका। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो, ये थे मेरे न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।